ये लड़ाई अब खुले में सुनाई पड़ रही है। अब दिख रहा है कि इनका लक्ष्य कोई कानून या संविधान नहीं, इनकी आंखें शिथिल होकर गजवाए हिंद के आस देख रही। केंचुली उतार कर ये पूरा विरोध अब हम बनाम वो का हो गया है। इस पूरे विरोध का लहजा मुसलमान बनाम काफिर का हो चुका है। वो खुल कर कह रहे हैं कि गलियों में निकलने का वक्त आ गया। वो चिल्ला कर जामिया की गलियों में कह रहे हैं कि उन्हें हिंदुओं से आज़ादी चाहिए। वो दिन के उजाले में दीवारों पर हमें कैलाश जाओ लिखकर बता रहे हैं। नमस्कार, मैं अजीत भारती और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। कहते हैं आदमी आदम से आया था। आदम को अंग्रेजी में एडम कहते हैं। इससे जुड़ी एक कहावत भी सुनी होगी, बाबा आदम के ज़माने से। हिंदू लोग आदम में यकीन नहीं करते क्योंकि कोई मतलब नहीं है, उनका फंडा अलग है। आदमी आज के दौर में व्यक्ति को कहते हैं, मानव को कहते हैं। देश के लिए नागरिक की अवधारणा होती है, जहाँ लोगों के पहचान मिट जाते हैं, बस राष्ट्रीय पहचान होती है कि हम भारतीय हैं, जापानी हैं, चीनी हैं, अरबी। भारत एक सेकुलर देश माना जाता है। माना इसलिए जाता है क्योंकि इस शब्द विशेष को लोग सहूलियत से इस्तेमाल करते हैं। अमूमन सेकुलर का मतलब गैर हिंदू या गैर दक्षिणपंथी होता है। आप लाख मुझे समझा लें कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं शब्दों को उनके स्वतंत्र अस्तित्व में उन्हें अक्षरों का मेल भर नहीं मानता, बल्कि मैं मानता हूँ कि शब्दों के मायने काल, परिस्थिति, देश और संदर्भ में बदल जाते हैं। सेकुलर के नाम पर आप हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान कर सकते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ सकते हैं, मंदिरों को गिरा सकते हैं, उनके प्रतीक चिन्हों का उपहास कर सकते हैं, और न तो हिंदू न ही भारत का कोई कानून आपका कुछ कर पाएगा। उसे हमारे सेकुलर संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा गया। यही आज़ादी किसी भी गैर हिंदू या हिंदू के अंग प्रत्यंग वाले मजहबों के ऊपर नहीं है। अगर आपने गलत संदर्भ में भी कुछ भी कह दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो दो दो साल से घात लगाकर बैठा मुसलमान आपको ऐसे रेत देगा कि लाश देखने वाले की आत्मा कांप जाएगी। सेकुलर मुसलमान वहीं तक नहीं रुकता, वो आपको कमेंट में उसके खिलाफ या उसके दंगों में जाने के खिलाफ लिखने पर आपको याद दिलाएगा कि तुझे भी काटेंगे साले कमलेश तिवारी की तरह इंशाअल्लाह। ऐसा मुसलमान ऐसे दुष्कृतियों को सम्मान की तरह देखता है। ऐसा मुसलमान आतंकियों को, जिसने उसके पूर्वजों की बस्तियों को आग लगाया था, उनकी लड़कियों का बलात्कार किया था, उनके मंदिर तोड़े थे और अंत में तलवार की नोक पर मुसलमान बना दिया था, बस इसलिए महान समझता है क्योंकि वो भी मुसलमान है। आज इसलिए इनकी चर्चा हो रही है क्योंकि आम तौर पर जिन लोगों को पूरा भारत कवि, शायर, इतिहासकार, पत्रकार, धर्महीन वामपंथी समझता रहा, वो CAA और NRC के विरोध में उसके नाम पर हो रहे दंगों को न सिर्फ सहमति दे रहे हैं बल्कि उकसा रहे हैं कि मरना ही है तो लड़कर मर जाओ। ये लोग अब रंगरेज के नीले रंग वाले नाद से जितना दूर जा रहे हैं, इनका हरा रंग उतना ही बाहर आता जा रहा है। हरे रंग में समस्या नहीं है, समस्या तब है जब तुम दिख तो हरे रहे हो लेकिन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो नहीं, हम तो नीले हैं। ये सारे कवि, शायर, पत्रकार, इतिहासकार, वामपंथन अचानक से आदमी से मुसलमान हो गए, और मुसलमान नहीं, वैसे मुसलमान हैं जो सेकुलर होने की परिभाषा से कहीं बहुत दूर भारत को ये बता रहे हैं कि इनके बापों ने भारत पर राज किया था। ये लिख रहे हैं कि तिलकधारियां नहीं चलती, ये कह रहे हैं कि भारत माता की जय कम्युनल है और ला इलाहा इल्लल्लाह बिल्कुल भी कम्युनल नहीं। ये चिल्ला रहे हैं कि मुसलमानों के साथियों को मुसलमान नारे का सम्मान करना ही होगा। और ये सारी इस्लामी बातें किस बात के विरोध में? एक राजनैतिक कानून के विरोध में जिसका भारत के मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं। तो सवाल यह है कि ये जो मुनव्वर राणा अचानक से मुसलमान होकर मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ के मरेंगे की बात करने लगे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर इनको दर्द किस बात का है कि अभिजात अल्फाज में दंगाइयों को उकसा रहे हैं कि लड़ के मरो? आखिर माँ के नाम पर शायरी करने वाले मुनव्वर राणा किस बात से इतने दुखी हो गए कि टिकटॉक वीडियो पर 800 वर्षों तक हमने देश पर राज किया लेकिन हमारी हड्डी में उबाल नहीं आया, लेकिन 5 साल से तुम्हें सत्ता मिल गया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बहुत ज़्यादा सनक में मत रहो वरना अगर हम अपने पर आ गए तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसा बोलने वाले मुसलमान लंपट का परिष्कृत संस्करण बनकर यही वो मुल्क है जिसकी मैं सरकारें बनाता था, मुनव्वर राणा लिख रहे हैं। आखिर राहत इंदौरी, ये तिलकधारियां नहीं चलती कहकर तिलक करने वाले हिंदुओं को इतने घृणित लहजे में क्यों ललकार रहा है? इस आदमी को क्या समस्या हो गई है जिसके महफिलों में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू ही हुआ करते हैं? वो तिलकधारियों को मक्कार क्यों कह रहा है? आखिर एक शायर जिसे संवेदनशील और गैर राजनीतिक माना जाता है, वो किसी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री और उन्हें वोट देने वालों पर शब्दों की मदद से ऐसे निशाने क्यों लगा रहा है? आखिर फैज़ अहमद फैज के उस नज्म को गाने की ज़रूरत आज के भारत में क्यों पड़ती है, जहां लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से चुनकर एक प्रधानमंत्री आया है,
जो नज़्म एक पाकिस्तानी तानाशाह के लिए गाई गई थी। मैं क्या संदर्भ भूल जाऊं कि तुमने मेरे चुने हुए लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को पहले तो तानाशाह कहा और फिर इस्लामी शायरी से लेकर तमाम तरीकों में काफिरों के लिए एक अंतर्निहित स्थायित्व लिए घृणा की हुई बातों को दोहराया, जहां सबूत उठवाए जाएंगे का मतलब सीधा इस बात से है कि भाजपा को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है। क्या हम इतने मूर्ख हैं कि इन बिंबों को समझ न सके? क्या हम ये कहकर तुम्हारी बात मान लें कि वो बस एक नज्म थी जो गाई गई IIT कानपुर? क्या वो नज्म किसी ने ट्विटर पर डाली, एक रैंडम दिन में किसी ने अपनी प्रेमिका को भेजी थी वो नज्म, या फिर किसी तानाशाह के लिए लिखी गई और आज के दौर में गाई गई उस नज्म में तानाशाह मोदी है और बुत उठवाए जाएंगे निशाना सीधा हिंदुओं की मूर्ति पूजा से? हम क्या इतने मूर्ख हैं कि इस्लामी शायरी के भीतर के हिंदू गणा के जहर को समझ न सके? तुम मोदी को हिटलर से प्रतीकात्मक तौर पर तौलते रहो, तुम नाजियों के चिन्ह से हमारा पवित्र ओम बना दो, नीचे फक हिंदुत्व लिखो और हम ये मान लें कि ये तो विरोध का एक तरीका है, हिंदुत्व से मतलब हिंदुओं से नहीं राजनीतिक विचारधारा से। इसी नज्म पर एक और नौटंकी जो दिखी वो यह थी कि सारे वामपंथी और हिंदुओं से घृणा करने वाले एक फर्जी खबर बनाकर फैलाने लगे कि IIT कानपुर ने इस बात की जांच पर एक कमेटी बिठा दी है कि ये नज्म हिंदू विरोधी है या नहीं, जबकि सच्चाई इससे अलग यह है कि कमेटी इस बात की जांच करेगी कि जो आयोजन हुआ वो संस्थान के नियमों के हिसाब से हुआ या नहीं, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो बातें कही गई वो सही थी या गलत। लेकिन इरफान हबीब जैसे लोग अपना एजेंडा ठेलने से बाज नहीं आए। जो खुद को वामपंथन कहती है, जिस वामपंथ में धर्म मजहब की कोई पहचान है ही नहीं, वो शहला राशिद मुसलमानों के मजहबी उन्मादी नारों की बात करते हुए कहती है कि अगर आप उनसे शर्मिंदा हैं तो आप हमारे सहयोगी नहीं, अगर आपको इन नारों से दिक्कत है तो आप भी उसी समस्या का हिस्सा हैं। और जनाब उनके वो मजहबी नारे क्या हैं? वो नारे हैं हिंदुओं से आज़ाद, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी AMU की धरती पर, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हैं वो नारे जो एक मजहबहीन वामपंथन नॉन नेगोशिएबल मानती है। और आप सोचेंगे कि एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में मजहबी नारों की ज़रूरत क्या है, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। शहला राशिद यही मानकर चल रही है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही सेकुलरिज्म तेल लेने चला गया। ये बात और है कि जब इनका सेकुलरिज्म तेल लेकर वापस लौटा तो पहले जामिया में आग लगाई, फिर सीलमपुर में पेट्रोल बम फेंका, फिर लखनऊ के परिवर्तन चौक में आग लगाई, फिर बंगाल में ट्रेन फूंक दिया, बिजनौर में आग लगाई, मेरठ और अलीगढ़ को लहका दिया। वाकई सेकुलरिज्म तेल तो बार बार लेने गया है मोदी के आने के बाद, खासकर मुसलमानों का सेकुलरिज्म, जहां वामपंथन भी खुलकर मुसलमान हुई जा रही है। शशि थरूर ने लंबे समय के बाद कुछ ढंग की बात कही कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि CAA NRC के प्रदर्शन में तेरा मेरा रिश्ता क्या जैसे नारों की जगह नहीं है, क्योंकि वहां अल्लाह को लाया जा रहा है। ये बात कई मुसलमानों को नहीं पची, क्योंकि उनके लिए हर प्रदर्शन विशुद्ध रूप से मजहबी है, क्योंकि उनके लिए पहचान का मतलब भारतीयता, नागरिकता और सामान्य बातों से परे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, उम्मा है, कौम है, हुकूक है। स्वयं को पत्रकार कहने वाले आरफा खानम ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था कि हाँ, भारत माता की जय एक सांप्रदायिक नारा है। उसने आज पत्रकारिता का ढोंग त्यागते हुए खुलकर सामने आकर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह किसी भी तरह से सांप्रदायिक इस्लामिक कट्टरपंथी नारे नहीं है, किसी भी तरह नहीं। इन सारे नारों को आप या तो सीधे शब्दों के झुंड के रूप में देख सकते हैं या फिर इन्हें संदर्भ में देखेंगे। भारत माता की जय कहने से हम किसी देवी की पूजा नहीं करते, हम अपनी मातृभूमि की जय जयकार करते हैं। यहाँ किसी का मुसलमान होना तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक वो इस भाव से जय जयकार न करे जहाँ वो यह मानने लगे कि अल्लाह के अलावा भी कोई है जिसे वो पूजनीय मानता है। दूसरी बात, सांप्रदायिक मानने के लिए किसी भी बात में नकारात्मकता आवश्यक है, वहाँ शाब्दिक या और तरह की हिंसा होनी चाहिए, मंशा होनी चाहिए नीचा दिखाने की। मुझे नहीं लगता कि भारत माता की जय बोलते हुए कोई किसी को नीचा दिखाना चाहता है या किसी भी प्रकार के हिंसक भाव रखता है। लेकिन इसके उलट एक राजनीतिक कानून के विरोध में जब हिंदुओं से आज़ादी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, फक हिंदुत्व आदि के साथ साथ उसी समय काल में उन्हीं परिस्थितियों में उसी संदर्भ में जब नारा तकबीर अल्लाहु अकबर गूंजता है तो विशुद्ध मजहबी उन्माद है, क्योंकि ये नारा तुम सिर्फ शक्ति प्रदर्शन और एक दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए लगा रहे होते हो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये सिर्फ मजहबी जमावड़े में बोलो। राजनीतिक में घुसाओगे तो हमें याद आएगा कि तुम्हारा लक्ष्य तो गजवाए हिंद और खिलाफत तक का है। इन लोगों की तरह
दसियों मुसलमान ऐसे मिलेंगे आपको जो बिना इस कानून को पढ़े, बिना ये जाने कि एनआरसी का ड्राफ्ट अभी तक बाहर नहीं आया है, इन दंगाइयों को अपनी सहमति ये कहकर दे रहे हैं कि मुसलमानों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। सामने से पूछे जाने पर ये बार बार यह भी कह रहे हैं कि आम लोगों को सरकार समझाने में असफल रही है, जबकि सत्य यह है कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन यही लोग आम लोगों में डर भरते जा रहे हैं। मुनव्वर राणा की, राहत इंदौरी की, इरफान हबीब की, शहला राशिद की, आरफा खानम की और उन हजारों दंगाई मुसलमानों की समस्या CAA या NRC नहीं है। इनकी समस्या यह है कि इनके भीतर का घमंड, एक विशेष होने का भाव जो पिछली सरकारों ने इनमें गहरे भर दिया था, वो अचानक से छिन सा गया है। वो जिनके मजहब के लोगों के आतंकी होने पर 22 साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद भी रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिए जाते थे, उनकी बात की अब कोई वैल्यू नहीं रही। वो जो यह चिल्लाते थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, आज दंगा करने के बाद योगी सरकार को अपने समुदाय द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे लौटा रहे हैं। वो जो मजहब की आर में भारत का झंडा, राष्ट्रीय गीत और जय बोलने से कतराते थे, आज भले ही दंगा करने और आग लगाने के लिए ही सही, भीड़ में तिरंगा लिए घूम रहे हैं। इनके घमंड के गुब्बारे में जो हवा भरी जाती रही थी, उसमें इस सरकार ने पहले तो हवा भरना बंद किया और दूसरे चरण में पिन मारना भी शुरू किया, तो फटे गुब्बारे से कुछ आवाज़ तो आएगी। वो जो सोचते थे कि कश्मीर से पंडितों को भगा देने के बाद कश्मीर को अलग देश बना लेंगे और उसी चक्कर में कश्मीर को नक्शे पर भी न पहचान सकने वाले मुसलमान भी खुश हो जाते थे, आज परेशान हैं कि कश्मीर में अब भारत का संविधान लागू है और उसका झंडा भी तिरंगा है। वो जो सोचते थे कि संविधान से ऊपर कोई मुसलमानी पर्सनल लॉ बोर्ड है, 3 तलाक के गैर कानूनी करार दे दिए जाने से इसे मजहब पर हुए हमले के रूप में देख रहे हैं। वो जिन्होंने सोचा था कि इरफान हबीब जैसा चिरकुट उपन्यासकार अपने चेलों को कोर्ट में भेजकर भारत को यह समझा देगा कि भारत का इतिहास मुसलमान आतंकवादी बाबर के आने के बाद से ही शुरू होता है, वो राम मंदिर के गगनचुंबी शिखर ध्वज को कैसे देख पाएंगे। वो जो सोचते हैं कि बौद्धों को हथियार उठाने पर मजबूर कर देने वाले आतंकी रोहिंग्या और बांग्लादेश से भारत में घुसे घुसपैठियों को भारत में इसलिए जगह मिल जानी चाहिए क्योंकि वो उनके उम्मा का हिस्सा हैं, उनके हकूक हैं, उन्हें भारतीय नागरिकों के रजिस्टर बनने से तो समस्या होनी ही है, इसलिए केंचुली उतार कर ये पूरा विरोध अब हम बनाम वो का हो गया है। इस पूरे विरोध का लहजा मुसलमान बनाम काफिर का हो चुका है। वो खुल कर कह रहे हैं कि गलियों में निकलने का वक्त आ गया, वो चिल्ला कर जामिया की गलियों में कह रहे हैं कि उन्हें हिंदुओं से आज़ादी चाहिए, वो दिन के उजाले में दीवारों पर हमें कैलाश जाओ लिखकर बता, राजनीतिक प्रदर्शन में हजारों की भीड़ जुटाते हैं और पूछते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, और आवाज़ आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। वो खिलाफत 2.0 के ख्वाब AMU की दीवारों पर लिख रहे हैं और हिंदुत्व यानी हिंदुओं से जुड़ी हर बात, विचार, पूजा, व्यक्ति, ग्रंथ, देवी देवता, उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। और हिंदू आज भी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाह रहा है, वो ये मानकर चल रहा है कि ये लोग भटके हुए गुमराह लोग हैं, इनके नारों का कोई मतलब नहीं, ये बस ऐसे ही है। ये लड़ाई अब खुले में सुनाई पड़ रही है, अब दिख रहा है कि इनका लक्ष्य कोई कानून या संविधान नहीं, इनकी आँखें शिथिल होकर गजवाए हिंद के आस देख रही है और दाहिने बाएं कुछ नहीं दिख रहा। ये नारे सीढ़ियां हैं, ये वो चरण है प्रयोग के जहां देखा जा रहा है कि पूरे भारत का मुसलमान एक साथ बाहर आ सकता है क्या। अभी आंकने का मौका है कि जब महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे मुसलमान, एक पहचान पा चुके मुसलमान, वैसे मुसलमान जो वैचारिक स्तर पर नेतृत्व दे सकते हैं, उनके खुलकर बाहर आने पर कितने मुसलमान उनकी बात मानेंगे। इसलिए आज का पढ़ा लिखा कॉलेज जाता मुसलमान भी NRC के आए बिना ही कह रहा है कि उसके कागज़ तो बाढ़ में बह गए। 90 साल की बुजुर्ग आसमा कह रही है कि 10वीं फेल मोदी अपने 7 पुस्तों के नाम गिनाए। जब आम आदमी गृह मंत्री की अपील को सीधे कह दे कि वो तो झूठ बोल रहा है, एक चुनी हुई सरकार के सांसदों द्वारा पारित कानून को यह कहकर नकार दे कि सांसद तो बस 300 ही, हम तो हजारों में हैं, तब आप समझ जाइए कि रंग उतरा ही नहीं, रंग दिखाया जा रहा है कि पहचानो हम हैं कौन। मजहबी नारे इतिहास के आतंकियों के शासक होने के दिन और हिंदुओं से घृणा की बातें खुलकर हो रही, बाकी का काम मीडिया गिरोह सक्रिय होकर कर ही रहा है, जहां 20 दिन की नवजात बच्ची को विरोध प्रदर्शन की नायिका के रूप में भुनाया जा रहा है। अचानक से भीम मीम में इसलिए दरार पड़ती दिख रही है कि भीम वालों को मजहबी नारे अनुचित लगते हैं। अब भीम वाले सोच रहे हैं कि मीम वाले तो उनको पागल बना रहे हैं, इनका एजेंडा तो कुछ और ही है। बाकी का काम इस उम्मीद ने कर दिया जहां शहला राशिद कहती है कि अगर तुम हमारे साथ हो तो आरक्षण में भी हमें हिस्सा दो, साबित करने के लिए।
भीम वाला आज भी जोगेंद्रनाथ मंडल को नहीं जानता कि भीम के झंडाबरदारों ने उनका क्या हश्र किया था। भीम वालों की लड़ाई राजनैतिक है, इसके लिए वो बार बार अपने हक के लिए उठते हैं। शोषण से है लड़ाई, बराबरी की बात है, और अब अचानक से उनसे कहा जा रहा है कि बोलो भाई तेरा मेरा रिश्ता क्या। और भीम वाला सोच में पड़ जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे बोलते। आप भी इस मजहबी उन्माद को समझिए, आप भी यह समझिए कि सेकुलर होने का मतलब मुसलमानों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग। एक सेकुलरिज्म की आड़ में आपके देवी देवता का उपहास करता है और एक आप हैं कि ईद की सेवइयां खाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। हिंदुओं के लिए सेकुलर होने का मतलब है सहना, इसलिए वो आज भी इन मजहबी उन्मादियों को आग लगाता देख रहा है और यह मानकर चल रहा है कि यह आग उसके घर तक नहीं पहुँचेगी। यही हिंदू यह भूल जाता है कि उसके जय श्री राम नारे आतंकी कह दिया गया था, एक महीने में कम से कम 10 बार झूठ बोला गया ताकि उसके धर्म को बदनाम किया जा सके। यही हिंदू यह भूल जाता है कि उसके दसियों भाइयों को मुसलमानों की भीड़ों ने लिंच किया है। हिंदू यह भी भूल जाता है कि सैकड़ों साल पहले भी उसके मंदिर तोड़े जाते थे और आज भी चांदनी चौक, हौज काजी समेत कई जगहों पर वही हो रहा है। हिंदुओं को यह भी याद नहीं कि उनके कांवड़ यात्रा पर इस साल सावन के महीने में कितनी जगहों पर पत्थरबाजी हुई। मुसलमानों के बीच की हस्तियां मुसलमान बनकर ही सामने आ रही, उनके लिए इस्लाम ही एकमात्र पहचान है। उन्हें राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में नारा तकबीर और हिंदुओं से आज़ादी कहने में कोई समस्या नहीं दिख रही। मैं चाहता हूं कि हिंदू इस बात को बस दूर से देखे, दिमाग में बिठाए और अकेले में जाकर सोचे कि ये सेकुलर शब्द जो है उसका आखिर मतलब क्या होता है। नमस्कार।